अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर देना प्लीज। नहीं कीर्तन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इसमें हम सब के साथ एक अजीब सा ही खेल खेल रही थी। लेकिन अब हम खुश हैं, हम खुश हैं कि तुम भी हमसे प्यार करते हो। बाकी हमें किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। आई लव यू टू। देखो कीर्तन, शक्ति रिमझिम के साथ है और वो जरूर कोशिश करेगी ये जानने के लिए कि वो तुम ही थे जिसकी वजह से रिमझिम घर से भागी थी। कीर्तन, अगर सुई तुम्हारी तरफ घूम आना तो वो मुझ तक भी आएगा। इसीलिए इन सबसे बचने के लिए अब हमारे पास एक ही उपाय है। तुम सबसे कह दो कि तुम रिमझिम से प्यार करते हो। What the hell, mom? No way. आप ये बात अच्छे से जानती है कि मैं उस बनारस की बहनजी से प्यार नहीं करता हूँ। I don't love her, तो मैं ऐसा क्यों? कीर्तन, जरूरत पड़ने पे हमें भी झुकना पड़ता है। मैं तो सिर्फ एक गधी को प्रेमिका बनाने के लिए कह रही हूँ। और एक बात कहूँ, शक्ति की चील की नजर है, वो तुम तक पहुंच के ही रहेगी, खुद तो आएगी ही तुम्हारे और मेरे पास, साथ में उस शिव को भी लेकर आएगी। पर मॉम, मैं अगर किसी को कुछ ऑर्डर देती हूँ ना, उसके बाद मुझे हाँ ना सुनने की आदत नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। कभी कभी कीर्तन की बातों से ऐसा लगता है कि क्या पता वो सच में मेरा बेटा है भी या नहीं, पर जब ऐसी एक्टिंग करता है ना तो यकीन हो जाता है कि मेरा ही बेटा है। अगर ऐसा ही था तो सब सच पता चलने के बाद दीका फोन क्यों नहीं उठाया? किस मुंह से फोन करता? क्या बोलता कि मैंने ही तुम्हें भागने को बोला था और मैं खुद ही वहां नहीं पहुंच पाया? किस मुंह से माफी मांगता शक्ति? जिस मुंह से भागने के लिए कहा था ना, उसी मुंह से। और क्या? एक मिनट BBI, वाराणसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कीर्तन पे 3rd degree बंद कर। कभी कभी दिल के मामले में दिमाग का सोचना बंद हो जाता है, गलती हो जाती है। और थानेदार ने कीर्तन पर 4 तरफा अटैक करने से पहले ये तो सोच लो कि तुम एक बात पकड़नी तो भूल ही गई हो। क्या? कि रिमझिम का प्यार एक तरफा नहीं है, ये तो फुल ऑन लव स्टोरी है। डॉक्टर शिव, पर और इस लव स्टोरी का दी एंड एकदम हैप्पी वाला होने वाला है। हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब शादी। हमें बस दोनों फैमिलीज को कन्विंस करना है। इस धनतेरस वाले दिन सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। शक्ति, ये है मेरी गुगली। तुम मेरा प्लान समझ सको उसके पहले ही मेरा दूसरा प्लान शुरू हो जाता है। क्या है ना कि मैं वो खरगोश नहीं हूं जो रास्ते में दौड़ते दौड़ते आराम कर ले और कछुए को जीतने दे। मैं आराम नहीं करती और कछुआ कभी नहीं जीतता। रिमझिम जी, अब बहन से सीधा भाभी बनने के लिए तैयार हो जाओ। हम दोनों का भी एक नया रिश्ता बनने वाला है। कौन सा? समधन जी और समधी जी। तो समधन जी समाधान ढूंढिए कि घर वालों को कैसे बताएं। कीर्तन, तुम
गए नहीं हॉस्पिटल, और आप लोग यहाँ सब ठीक है ना? आ जाओ अंदर आ जाओ। अब नहीं चाची, हमें भी देरी हो रही है, वो शक्ति को कॉलेज जाना था तो मैंने सोचा मैं छोड़ दूँ, मुझे भी वही काम था, और रिमझिम भी साथ में आती। अभी तो साथ में आई है, बाद में टोली आएगी। वाह शक्ति, आज धनतेरस के दिन तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन, ये तो बहुत शुभ बात है। कीर्तन तुम अभी तक गए नहीं? मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। I'll see you soon। हम इंतजार करेंगे। शक्ति हमें भी देर हो रही है, चलें। अब भोला हीरा, अरे पूजा का सामान तो रखो गाड़ी में, मुझे देर हो रही है। मैं भी मंदिर जा रही हूँ पूजा करवाने। शिव की भलाई के लिए। ये चाची भी ना, सच में उनके होते हुए मुझे किसी रक्षा की जरूरत ही नहीं। मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच तो खुद चाची है। पता है शक्ति, अगर चाची नहीं होती ना तो हमारा परिवार कब का बिखर के टूट गया होता। चाची सब कुछ संभालती है, घर बिजनेसेस सब कुछ उन्होंने ही संभाला, यहां तक कि मेरी दवाई का ध्यान भी वही रखती है। वो कीर्तन और कोयल का भी इतना ख्याल नहीं रखती होंगी जितना वो मेरा रखती है, इसीलिए तो वो मेरी चाची नहीं, मेरी चाची माँ है। डॉक्टर शिव, तो एक काम करते हैं ना, हम उनसे बात कर लेते हैं। किस चीज के बारे में? ती और कीर्तन के बारे में। अगर वो वाकई दिल की इतनी अच्छी है तो मना नहीं करेंगी ना, हम बात करके आते हैं। शांत प्रिय मित्र, शांत। अभी अभी हमारे फैमिलीज के साथ इतना कुछ हुआ है, थोड़ा टाइम तो दो। हम दो मिनट में आए डॉक्टर शिव। अरे शक्ति मेरी बात सुनो। आंटी जी, ये दोनों एक दूसरे को टशन क्यों दे रही है? अब कौन सा गंदा खेल खेलने वाली हैं? कह रही हो शक्ति बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस कीजिए, आपका बेटा ना ऑलरेडी बहुत ओवर एक्टिंग कर चुका है। हमारे पीछे आते आते वो रिमझिम दीदी के पीछे पड़ गया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।